यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ अनम फारू। आज मैं आप लोगों के लिए काफी डिफरेंट वीडियो लेके आई हूँ। मेरी हर वीडियो ही डिफरेंट होती है। तो जी, आज है मेरी फोन पे वीडियो, सैमसंग गैलेक्सी की है। ये मेरा रिव्यू के लिए मैंने ये फोन, मैंने कहा चले मैं इसका भी रिव्यू दे देती हूँ आपको। सैमसंग गैलेक्सी S21 5G बहुत जबरदस्त फोन है। इसका आजकल मार्केट में काफी इन हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अच्छा, पहले इसके स्पेक्स की बात कर लेते हैं। ये वाटर प्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी है। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है हम लोगों के लिए, जिस तरह पाकिस्तान में बहुत डस्ट होती है और वैसे भी ये हम लोगों से गिर जाता है पानी में कुछ इस तरह, तो ये वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ है। और दूसरा ये कि इसकी जो रैम है ना वो 8GB है और मेमोरी 128। मैं इसको इसलिए लिख लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को कुछ गलत ना बता सकूँ और मैं भूल जाती हूँ बहुत दफा। और इसका बैक कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल है और फ्रंट कैमरा जो वो 10 मेगापिक्सल है। और इसका बैटरी टाइम भी बहुत अच्छा है। और ये सैमसंग का, चलिए इसको मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और इसके बारे में सारा कुछ लिख भी दूंगी इसकी क्या क्या चीजें हैं। चले बिस्मिल्लाह खोलते हैं फोन। सैमसंग के फोन भी बहुत बेस्ट होते हैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा ब्लैक है, ये देखें शाइनी। इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है, ये देखें, ये फ्रंट बैक। स्मार्ट था फोन है, ये बहुत बड़ा नहीं है आईफोन की तरह, वो तो हाथ में नहीं पूरा आ रहा था, लेकिन ये कि ये जो है ना ये अच्छा है, स्मार्ट सा फोन है। और चलिए इसको ऑन करते हैं, ये देखें सैमसंग आके लिखा हुआ। और ये कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, इसकी नेट की, इसका इसकी जो है रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। और आप जिस तरह वीडियोस वगैरह शूट करने में ये बहुत अच्छा हिलता नहीं है और बहुत अच्छा है। इसका ना फ्रंट और बैक कैमरा दोनों बहुत अच्छे हैं। और इसके जो बॉक्स में ये देखें वेलकम लिखा हुआ आगे। बाकी ये कि मैं इसकी सेटिंग्स वगैरह करूँगी सारे। ओके, इसका बॉक्स भी बहुत अच्छा, बहुत फाइन बना हुआ है, तकरीबन आईफोन जैसा ही है इसका बॉक्स। और ये अंदर इसके पिन दी हुई है, सिम डालने वाली पिन होती है ना, इसको निकालने वाली पिन है। और क्या है इसके अंदर, और ये इसके अंदर बस केबल, चार्जिंग केबल है। हैंड फ्री वगैरह आजकल तो ट्रेंडी नहीं हैंड फ्री का ना, तो बस यही है इसके अंदर, और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। और इसके अंदर बस ये ऐसे बॉक्स है, बाकी सारा कुछ इसके पीछे भी लिखा हुआ है। आप मार्केट में चाहें सर्च करें और अच्छे तरीके से देखभाल के लें, क्योंकि दो नंबर चीजें भी आ जाती हैं। लेकिन ये है कि ये ओरिजिनल भी आपको मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसका कलर बहुत अच्छा है, फोन मैंने कहा रखती है हाँ। और इसके ऊपर प्रोटेक्टर, आप जब भी फोन बाय करें फौरन प्रोटेक्टर लगवा लें, ताकि अगर आपका फोन गिरे तो खराब ना। इसके बैक पे भी बहुत प्यारा सा ये देखें डी सा बना हुआ है, बहुत प्यारा। इसका बहुत अच्छा डिजाइन है, फोन की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, सैमसंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बहुत देर तक चलते हैं, 3-4 साल तो कहीं नहीं जाते और बहुत जल्दी खराब भी नहीं होते। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इस पे एस बहुत प्यारा लिखा हुआ है, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। और इसकी जो ये है कि ना फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों बहुत जबरदस्त हैं इसके। और जो सेल्फी वगैरह जो इसके शौकीन है वो इसको जरूर बाय करें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।